अभी से 5 मिनट हो गए और कार्बन देख सकते हो आप कैसे बाहर आ रहा है। ये देखो पूरी पोर्ट से जो भी कार्बन वगैरह है ना पूरा बाहर आ रहा है। ये देखो अभी देखो 15 मिनट हो गए, अभी देखो कार्बन कैसे निकल रहा है। इसके साथ नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैटिक में। दोस्तों हमारी फॉक्सवैगन की वेंटो है, पोलो है, या फिर स्कोडा रैपिड है, स्कोडा फाबिया है, तो ये जो गाड़ियाँ हैं डीजल गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। 1.6 और 1.5 TDI है और 2.0 TDI ऑक्टाविया वगैरह वो है, उसमें प्रोसेस सेम ही रहता है। तो इस गाड़ियों में डीजल गाड़ियों में EGR वाल्व रहता है, एक एग्जॉस्ट ग्रास रिसर्कुलेटर वाल्व। तो जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसमें कार्बन जमा होने लगता है और गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है, माइलेज भी डाउन हो जाता है और गाड़ी थोड़ा थोड़ा स्मोक देने लगते हैं। तो सेम प्रॉब्लम इस गाड़ी में है। तो इस गाड़ी का जो EGR वाल्व है, मतलब फॉक्सवैगन का जो EGR वाल्व है, ये किस तरीके से क्लीन करते हैं, उसको खोलते कैसे, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, ये इस वीडियो हम देखने वाले हैं। अभी इन गाड़ियों में जो EGR सिस्टम होती है ना, ये टर्बो है ना उसके नीचे होती है। ये देखो ये नीचे का पाइप वगैरह आप देख पा रहे हो ना, यही है, ये EGR में लगा हुआ पाइप वगैरह है, ठीक है। तो ये EGR खोलने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, गाड़ी लिफ्ट पे उठानी है, दोनों व्हील्स निकाल देने हैं और नीचे जो सबफ्रेम आती है ना वो निकाल देनी है एकदम इजीली और एकदम प्रॉपरली। आप EGR वगैरह खोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी व्हील्स वगैरह निकाल देता हूँ और कैसे सबफ्रेम वगैरह निकालनी है आपको बताता हूँ। अभी देखो स्टैंड पर गाड़ी खड़ी कर दी, दोनों व्हील्स निकाल दिए, अभी क्या क्या खोलना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिंक रॉड है ना एक साइड से निकाल देनी है, इसके साथ ही साथ ये देखो ये नीचे बॉल जॉइंट के 3 बोल्ट होते हैं, सॉरी नट होते हैं, ये निकाल देने हैं। ये निकाल देते हो तो इसके बाद इधर देखो, इधर सब फ्रेम में 4 बोल्ट होते हैं, इधर की साइड 2 और उस साइड 2। ये देखो इधर एक है, ये देखो ये, ठीक है, और ये देखो ये, और ये 13 नंबर के 2 होते हैं ब्रैकेट के, ये निकाल देने हैं। और नीचे ये माउंट होता है, देखो इधर 2 16 नंबर के बोल्ट होते हैं, ये निकाल देंगे, तो ये निकाल देंगे। और ये देखो ये साइलेंसर लगा है ना, उसके रबर है, ये साइड से मतलब पकड़ की मदद से निकाल देने हैं साइलेंसर के, तो ये हमारी सबफ्रेम है ना पूरी की पूरी ये बाहर आ जाएगी। अभी देखो पूरी सबफ्रेम निकाल दी, अभी हमें EGR तक पहुँचने में एकदम प्रॉपरली जगह मिल जाती है। नीचे से दिखाता हूँ आपको, अभी देखो मैं कार के नीचे आ गया। अभी क्या क्या खोलना है, साइलेंसर देखो, ये हमारा साइलेंसर का कैटलिटिक कन्वर्टर है, इसका ये ब्रैकेट निकाल देना है, ऊपर से भी निकालना है। इसके बाद ये देखो ये एक टर्बो का ऑयल का आउटलेट है, ये 27 नंबर का है, ये निकालना है। इधर एक होता है देखो ये 17 नंबर का इनलेट टर्बो का, ये देखो ये निकाल देना है। इसके बाद ये देखो ये पाइपलाइंस वगैरह है, तो ये निकाल के देता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ, क्योंकि अंदर का तभी दिखेगा आप। ऊपर से देखो ये जो बोल्ट है ना क्लिप का, ये निकाल दूँगी, क्लिप निकाल दोगे ना तो हमारा साइलेंसर का जो कैटलिटिक कन्वर्टर है इधर से भी निकल जाएगा और नीचे से ब्रैकेट हम निकाल देंगे उसका। ऊपर से भी देखो एयर फिल्टर बैटरी वगैरह हमने हटा दी, ये हमारा टर्बो का पाइप निकालना है क्योंकि वो भी क्लीन करना है। और इधर एक पाइप होता है अंदर, देखो थोड़ा सा ये ऑयल वगैरह लीकेज भी हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये पाइप है, ये इधर ये ठीक है, इसमें भी 2 स्क्रू होते हैं वो निकालना है। इसके लिए ये टर्बो से ये अटैचमेंट निकालनी पड़ेगी, ये देखो ये पाइप वगैरह इधर से। अभी देखो पूरा EGR हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अभी ये जाम है क्या चेक करना है, ये EGR कूलर का फ्लैप होता है, ये देखो ये तो एकदम फ्री है, कुछ टेंशन नहीं, कुछ EGR का ये पूरा जाम हो जाता है, स्टक हो जाता है, फ्री कराना पड़ता है। इसके बाद ये मेन EGR का वॉल देखते हैं, ये देखो ये भी मतलब आवाज़ से ही आपको पता चल सकता है, ये देखो जाम है, मतलब देखो मतलब आता है ना जगह पे वो अटक अटक के आता है, धीरे धीरे आता है, ये देखो इसके कारण ही स्मोक की और पिकअप की समस्या होती है, उसके कारण माइलेज भी डाउन हो जाता है। देखो बहुत ज़ोर से दबाना पड़ रहा है तभी अंदर जा रहा है, और आवाज़ सुन सकते हो आप आवाज़ किस तरीके से आ रही है, तो इसके कारण वो कार्बन के कारण स्टक हो जाता है, तो इसके लिए आवाज़ वगैरह आती है। तो अभी इसको हम डिसेंबल करना है, ये देखो 6 बोल्ट होते हैं इधर, ये निकाल देने हैं, ये देखो इसी तरीके से 6 के 6 बोल्ट हैं, ये निकाल देता हूँ। अभी ये देखो सारे स्क्रू जो है वो हटा दिए और अभी EGR हमारा आ गया। तो EGR के भी 2 भाग होते हैं, ये है ये हमारा EGR कूलर है, EGR का जो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है तो उसको ठंडा करने के लिए कूलर होता है EGR में, और ये हमारा EGR वॉल है, ये मतलब हमारे इंटेक में जो फ्लो जाता है उसको कंट्रोल करता है एग्जॉस्ट का। ये देखो ये जैसे मैं इधर से ऑपरेट करता हूँ ये वॉल देखो ये ऊपर होता है, अभी वो कार्बन कार्बन है पूरा,
ये देखो ये वॉल आप देखो, देखो थोड़ा कार्बन मैंने हटाया, ये देखो ऐसे ऊपर होता है और मतलब ओपन क्लोज होता है वो। तो एग्जॉस्ट का जो गैस है वो इंटेक में कितना जाना चाहिए, कितनी देर तक जाना चाहिए, तो ये ओपन क्लोज होता है, उस पर सब डिसाइड होता है। अगर स्टक वगैरह होने लगा आपका इजार या फिर जाम है तो वो सब मतलब उसका हिसाब बिगड़ जाता है, तो गाड़ी में पिकअप की वगैरह समस्या आती है। तो अभी इसको क्लीन करेंगे। तो इसमें तो वैसे ज़्यादा कार्बन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इजार जो होते हैं पूरे मतलब चोक हुए होते हैं। ये तो हमने निकाला है क्योंकि इसकी मेजर सर्विस है, मेजर सर्विस का एक भाग रहता है इजार क्लीनिंग, तो उसके लिए निकाला है। तो अभी ये देखो ये ब्रश है तार वाला, आप मतलब हाथ से भी कर सकते हो, हमारे पास ड्रिल और ये ब्रश है, तो इससे करेंगे ये कार्बन का क्लीनिंग पूरा। इसके बाद केमिकल से भी हम करते हैं तो एकदम प्रॉपरली हो जाता है, एकदम नए जैसा हो जाता है। ये देखो ये देखो इस तरह कार्बन आता है, ये देखो ये अंदर से हो गया, और कूलर में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। ये कूलर के सारे पिंस है ना, ये कार्बन से पूरे अंदर तक यहाँ तक होते हैं, ये पूरे जाम हो जाते हैं, तो उसको केमिकल से क्लीन करना पड़ता है, वही प्रॉपर होता है। आप उसमें तार वगैरह डालते हैं ना तो डैमेज होने की संभावना रहती है वो। ये देखो ये एकदम प्रॉपरली कर लेता हूँ मैं। इसको हम केमिकल लगाएंगे, उसके बाद पानी से वॉश करेंगे। तो ये जो मोटर होती है वाटर प्रूफ होती है, बाकी कुछ टेंशन नहीं, लेकिन ये कपलर है ना, इसको को केमिकल या फिर पानी नहीं लगना चाहिए। इसके लिए ये देखो ये प्लास्टिक से पूरी तरह मैंने इसको सील कर दिया। ये देखो ब्रश की मदद से कुछ इतना क्लीन हो गया, लेकिन नीचे थोड़ा बहुत कार्बन है, तो केमिकल से वो मतलब 100% क्लीन हो जाता है। ये देखो अभी केमिकल से है ना, उसको सिर्फ भिगाना है। ये देखो ऐसा, ये जितना भी सरफेस है कार्बन है ना, उसको सिर्फ केमिकल से भिगाओगे ना और ऐसे ही रख दोगे ना 10-15 मिनट, तो एकदम क्लीन हो जाएगा। हाँ 1 मिनट दिखाओ अंदर से क्या हो रहा है। ये देखो किस तरीके से केमिकल से ये रिएक्शन हो रही है। हाँ दिखाओ, साइड में जो पोर्ट है ना, ये इस साइड, इस साइड, हाँ इधर डाल के ले लो। ये देखो मतलब केमिकल से है ना तुरंत निकलने लगता है कार्बन। ये देखो ठीक है, अभी ऐसे ही रख दो उधर ये साइड में। हाँ ये देखो, ये देखो कार्बन मतलब निकलने भी लगा देखो। और अभी ये कूलर है ना, इसमें भी डालना है, तो इसमें हमने ब्रश वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है ना, तो तार यूज़ किया है, तो इसमें सिर्फ केमिकल ही डाल के पूरा थोड़ा थोड़ा रखना है, सब में थोड़ा थोड़ा रखो, वो बाद में ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली। ये देखो तो इस तरीके से अभी रखेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा कैसा हुआ। ये देखो रिएक्शन हो रही है, ये देखो कार्बन वगैरह देखो पूरा निकल रहा है। देखो इधर से थोड़ा सूखा रह गया, इधर भी मारो। अभी से 5 मिनट हो गए और कार्बन देख सकते हो आप कैसे बाहर आ रहा है। ये देखो पूरी पोर्ट से जो भी कार्बन वगैरह है ना पूरा बाहर आ रहा है। ये देखो मतलब पूरा क्लीन हो जाएगा, ये जैसा कंपनी का नया रहता है ना, लगभग 99% नया ही हो जाता है। ये देखो किस तरह कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी अंदर अंदर रहता है, इसमें थोड़ी देर बाद आता है, क्योंकि ये इसका जो ये होता है ना डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमने जो भरा है अभी वो बॉटम में है, धीरे धीरे आएगा ऊपर। अभी देखो 15 मिनट हो गए, अभी देखो कार्बन कैसे निकल रहा है। इसके साथ साथ ये जो पाइप वगैरह है जिस जिस में चीज़ों में कार्बन है ना, वो सारी मतलब जो निकाली है उसमें केमिकल डाल दिया है, इसमें भी डाला है। और अभी ये देखो इसका कार्बन देखो, अभी ये तो क्लियर ही हो गया है, कुछ टेंशन ही नहीं है, उसे पानी से वॉश करना है, क्योंकि केमिकल वगैरह रहना नहीं चाहिए, जाना चाहिए पूरा। तो इसके लिए अभी प्रेशर से पानी मारेंगे और उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि किस तरह एकदम प्रॉपरली क्लीन हो गया है ये, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वगैरह इसके जो कनेक्टर्स रहते हैं पिंस रहते हैं उसमें केमिकल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो गोल्ड प्लेटेड होते हैं, कोरोजन वगैरह ना पकड़े इसके लिए। उसमें लग जाता है तो चलता है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए इसमें पूरा पैकिंग वगैरह करके ही ये करना है। तो ये जो केमिकल है इसको एल्यूमिनियम क्लीनर नाम से जानते हैं और अमेजोन पे वगैरह मिल जाता है, लिंक भी दे दूंगा आपको, आपको चाहिए तो, क्योंकि काफ़ी अच्छा केमिकल है और एकदम मस्त, एकदम ईजी क्लीनिंग हो जाता है और एकदम प्रॉपर क्लीनिंग हो जाता है, ठीक है। अभी इसको प्रेशर से पानी मारते हैं।
तो हम जब कार का काम करते हैं तो कार में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कार के पार्ट। और बहुत सी बार मार्केट में कार के पार्ट मिलना मुश्किल होता है और ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट मिलते नहीं, और मिलते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इसमें हम जो कार के पार्ट मंगाते हैं वो बुडमू से मंगाते हैं। बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आप कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगाया है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली जितने भी पार्ट है 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं, और डिलीवर हो जाने के बाद भी आपको वो पार्ट नहीं चाहिए, नहीं बैठ रहा है, तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके आप अपना रिपोर्ट ले सकते हो। तो बुडमू ऐप काफ़ी कमाल का ऐप है। इस ऐप पर आपको जेन्युइन चाहिए तो जेन्युइन भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट चाहिए, OES चाहिए, तो मतलब जितने भी पार्ट है वो सारे आपको बुडमू पे मिल जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी देखो फीचर कैसे क्लीन हो गया, ये देखो वॉल वगैरह एकदम प्रॉपरली क्लीन हो गया, सारा कार्बन चला गया, ये देखो इधर से भी एकदम प्रॉपरली, और ये कूलर भी देखो एकदम क्लीन हो गया, ज़रा भी अभी कार्बन नहीं बचा है। ये पाइप भी देख लो अंदर से एकदम क्लीन हो गए, क्योंकि इनको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन केमिकल के कारण एकदम प्रॉपरली क्लीन हो जाते हैं। और अभी आपको आवाज़ सुनाता हूँ फीचर की, ये देखो एकदम स्मूथ हो गया और एकदम ये हो गया, फ्री भी हो गया। अभी इधर छोटा सा इसका बेयरिंग होता है, इसमें ग्रीस लगाना है, लेकिन इसमें हम स्पेशल ग्रीस लगाते हैं। ये देखो प्रिंटर का फ्यूज़र का ग्रीस और ग्रीस आता है ना, ये लगाते हैं हम, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर ग्रीस होता है। ये लगभग 300-400 टेम्परेचर गया ना डिग्री सेंटीग्रेड, तभी भी काम करता रहता है। और ये इधर थोड़ा हीट होता है ना, सादा ग्रीस लगाते हो ना तो और हीट हो जाता है, 2-3 बार 400-500 किलोमीटर चल जाता है ना, तो सादा ग्रीस मेल्ट होके चला जाता है और ड्राई हो जाता है। ये इसके लिए हम इधर हाई टेम्परेचर जो ग्रीस होता है फ्यूज़र फिल्म वाला वो लगाते हो, क्योंकि काम करना चाहिए ऐसा करना चाहिए कि वो लाइफ लॉन्ग चले, और लाइफ लॉन्ग एकदम प्रॉपरली चले, सिर्फ चलना ही नहीं चाहिए हमने, हमें प्रॉपरली चलना चाहिए। तो इसके लिए मतलब ये जो ऐसा फ्री है ना, मतलब अगली बार खोलेंगे ना तो ऐसा ही फ्री होना चाहिए। तो इसके लिए हम मतलब छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें नई नई करते रहते हैं। तो इसके लिए इसमें हम फ्यूज़र फिल्म ग्रीस यूज़ करते हैं। देखो जब एकदम फ्री हो गया और एकदम इजीली ऑपरेट हो रहा है। देखो ये इसके ऊपर की कैप है, ये लगानी है, ये भूलना नहीं है, ये भूल जाते हो ना तो प्रॉब्लम आ जाता है, फिर जो अंदर मिट्टी धूल वगैरह जाके है ना, फिर से ये अटकने लगता है। देखो ये प्रॉपर एकदम लगानी है, ये देखो ये इस तरीके से लग गई, और अभी कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। ये पैकिंग तो है एकदम प्रॉपर है, तो पैकिंग के ऊपर ये रख के ये देखो जितने भी बोल्ट है वो सारे टाइट कर देने, ये देखो जो भी बोल्ट है सारे मैं टाइट कर देता हूँ। अभी देखो इजर की असेंबली एकदम प्रॉपर हो गई, ठीक है। तो अंदर कंजेस्टेड एरिया आपको आइडिया आ गया होगा, मैंने दिखाया था कैसे होता है। तो अभी ये ऐसे इजर बैठता है, ये 4 बोल्ट होते हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ से, ये देखो ये 4 बोल्ट पे पहले बैठा देना है, ठीक है, हमारे इंजन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद इसमें ये पाइप लगता है, देखो ये यहाँ से लगेगा, और हमारा एग्जॉस्ट है उसका मैनिफोल्ड है उसमें ये लगेगा, ठीक है। और इसके बाद ये एक लगता है, ये इस तरह लगता है, देखो यहाँ से लगता है और हमारा हेड में जाता है, एक हेड के थ्रू होते हुए हमारे इंटेक मैनिफोल्ड में आता है। तो इस तरीके से फिटिंग कर देनी है, अभी कुछ सिंपल है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो अभी ये पूरी फिटिंग कर देते हैं, इधर कपलर लगाना है, कूलेंट के पाइप है ये दो, ये लगा देने, ये सारी फिटिंग कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये लगाते समय इसमें पैकिंग से होती है, देखो तो ये पैकिंग लगाना भूलना नहीं, ये बैठ जाते हैं, मतलब ऐसे गिरते वगैरह नहीं, प्रॉपरली लग जाते हैं। तो ये पैकिंग डालनी है, एक साइड में कॉपर का होता है, ये देखो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगता है ना वो कॉपर का होता है, बाकी सब सेम होते हैं। अभी इजर की फिटिंग भी हो गई, सब कुछ सब फ्रेम वगैरह सब लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ट्रायल लेके देखा, और ट्रायल लेने के बाद मतलब पिकअप एकदम मस्त आ गया, ज़बरदस्त पिकअप आ गया, ठीक है। और अभी मैं गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखो इग्निशन ऑन ही है,
आप सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है और किसी भी तरीके की कोई लाइट नहीं है, डोर की है, एक हैंड ब्रेक की है और ये ऑटो गाड़ी है तो इसके लिए क्लच की लाइट है, तो बाकी कुछ भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं, और एक नंबर पिकअप आ गया। तो इस तरीके से ये फॉक्सवैगन ग्रुप का जो EGR होता है उसका क्लीनिंग करते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।